हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ध्यान कॉमर्स, द की ऑफ सक्सेस। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर नोटिफिकेशंस। थैंक यू। जय माता जी। डियर स्टूडेंट्स, स्क्रीन पे आप देख रहे हो सम नंबर 8, अकाउंटिंग ऑफ डिबेंचर, जीएसईबी टेक्स्ट बुक का समय बच्चों, जिसके रेफरेंस में आपको इलस्ट्रेशन 5 करना है। चार्मी फैशन के अंदर बच्चों 1,20,000 डिबेंचर कंपनी ने इश्यू की है, जिसकी फेस वैल्यू 200 रुपये है, जिसमें 10% प्रीमियम है बच्चों। एप्लीकेशन के टाइम पे 100 रुपीज़ विद प्रीमियम कंपनी ने कॉल किया और बाकी की अमाउंट अलॉटमेंट में ले रही है। दैट मीन्स यहाँ कोई फाइनल कॉल की प्रोसेस नहीं करनी है। डिबेंचर रिडीम करने है बच्चों आफ्टर 7 ईयर, हमें 7 साल के बाद डिबेंचर के पैसे वापस देने हैं, पर हमें उसका कोई अकाउंटिंग यहाँ नहीं करना है। उसके बाद बच्चों कंपनी को एप्लीकेशन रिसीव 1,50,000, जिसमें से अलॉटमेंट करना है 120 ऑन प्रोरेटा बेसिस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। तो जैसे आपने शेयर कैपिटल में प्रोरेटा टेबल बनाया था, वैसे ही यहाँ प्रोरेटा अलॉटमेंट का टेबल बना के मैं पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा। यहाँ एक्सेस एप्लीकेशन मनी बच्चों हमें अलॉटमेंट का एडवांस समझ के एडजस्ट करना है। तो इसकी बच्चों जर्नल एंट्री लिखनी है, ओवरऑल इजी समय है। ये क्वेश्चन के अंदर हमें बच्चों प्रोरेटा अलॉटमेंट का सिचुएशन समझना है। नेक्स्ट स्लाइड में बच्चों व्हाइट बोर्ड पे मैं आपको पूरा क्वेश्चन प्रोरेटा टेबल के साथ एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। जय माता जी। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। 12 कॉमर्स के अंदर बच्चों अकाउंटेंसी के अंदर पार्ट 2 में हमने अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर टॉपिक स्टार्ट किया बच्चों, जिसके अंदर आज हम लेने जा रहे हैं सम नंबर 8। ब्रैकेट में आपको इलस्ट्रेशन 5 रेफरेंस में करना है बच्चों। कुछ आपको याद आ रहा होगा, शेयर कैपिटल के अंदर बच्चों जैसे आप प्रोरेटा अलॉटमेंट करते थे, वैसे ही प्रोरेटा का पॉइंट अब इसके अंदर है बच्चों। अब प्रोरेटा क्या होता है याद कर लीजिए। तो जनरली बच्चों बिजनेस के अंदर जो भी डिबेंचर या शेयर पब्लिक के समक्ष कंपनी द्वारा इश्यू किए जाते हैं, उसमें से ही कुछ शेयर्स पब्लिक को अलॉट किए जाते हैं। जैसे कि कंपनी ने 1,00,000 शेयर इश्यू किए, समझो 1,20,000 एप्लीकेशन आई, तो एक्स्ट्रा 20,000 एप्लीकेशन कंपनी रिजेक्ट करती है, उनके पैसे शेयर होल्डर को रिफंड कर देती है। पर कई बार ऐसा होता है बच्चों, कंपनी कुछ शेयर होल्डर को प्रोपोर्शनेट शेयर अलॉट करती है। जैसे कि एग्जांपल दो बच्चों, एक शेयर होल्डर है, उसने अप्लाई किया है 1,000 शेयर के लिए। अब कंपनी ने उसे रिजेक्ट नहीं किया, पर अलॉट किए प्रोपोर्शनेट 700 शेयर। इन दिस कंडीशन बच्चों ये 300 शेयर के जो भी पैसे हो रिफंड नहीं किए जाते हैं, उसको प्रोरेटा अलॉटमेंट, अलॉटमेंट के एडवांस समझ के एडजस्ट किया जाता है। उसको बोला जाता है कि जब आप अलॉटमेंट के पैसे भेजोगे, वो टाइम पे आपको 300 शेयर के पैसे नहीं भेजने, वो एडवांस गिन लेंगे। तो इस प्रकार से बच्चों प्रोरेटा अलॉटमेंट का पॉइंट आए। तो इन दिस कंडीशन जब आप पहली एंट्री करते हो एप्लीकेशन की, जिसमें आप एप्लीकेशन के पैसे शेयर कैपिटल में ले जाते हो, कुछ पैसे बैंक में रिफंड करते हो और कुछ पैसे बच्चों इस प्रकार से प्रोरेटा अलॉटमेंट के एडजस्ट करने हैं बच्चों। तो मैंने आपको बोला था बच्चों शेयर कैपिटल ट्रांजेक्शन की एक एक सिचुएशन यहाँ पढ़नी है। आगे वाले समय में आपने कॉल इन एडवांस पढ़ा था, कॉल इन एडवांस। अब बच्चों एक क्वेश्चन में मैं आपको समझाने जा रहा हूँ प्रोरेटा अलॉटमेंट, जिसके लिए बच्चों प्रोरेटा का टेबल हम बनाते हैं। पर्टिकुलर्स, टोटल एप्लीकेशन, अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन, नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड एंड इश्यूड शेयर, अमाउंट ऑफ शेयर अलॉटेड, अमाउंट अलॉटमेंट इन एडवांस, बैंक अकाउंट रिफंड। अब देख सकते हो बच्चों अमाउंट ऑफ शेयर अलॉटेड की जगह पे मुझे वर्ड लिखना है डिबेंचर, यहाँ शेयर कैपिटल की जगह पे डिबेंचर अकाउंट, जान मुझ के मैंने बच्चों सेम वर्ड लिखा था जैसे आपको याद रहे, नंबर ऑफ शेयर एप्लीकेशन की जगह पे डिबेंचर एप्लीकेशन, नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड की जगह पे डिबेंचर अलॉटेड। रेडी बच्चों? चलो मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ बच्चों। टेक्स्ट बुक आपके पास हुई तो खुली रखो, या फिर मैंने आगे PDF इमेज दी है उसमें से उसको नोट डाउन कर लेना। क्वेश्चन नंबर 8, चार्मी फैशन लिमिटेड इश्यूड 1,20,000 शेयर्स, 10% डिबेंचर एट द फेस वैल्यू ऑफ 200। फिर से बच्चों मेरे मुंह से शेयर निकल जाता है, पर याद रखना शेयर डिबेंचर एक ही है बच्चों, यहाँ हमें शेयर की जगह पर डिबेंचर लेना है। 1,20,000 डिबेंचर, फेस वैल्यू 200 रुपये, 10% प्रीमियम विद एप्लीकेशन 100 रुपीज विद प्रीमियम, बैलेंस अमाउंट इन अलॉटमेंट। यानी बच्चों दो ही पार्ट करने हमें, द डिबेंचर रिडीमेबल आफ्टर 7 ईयर, 7 साल के बाद डिबेंचर के पैसे वापस देने हैं। एप्लीकेशन रिसीव्ड 1,50,000 एंड द अलॉटमेंट वॉज 120 मेड प्रो रेटा। अंडरलाइन करो बच्चों प्रोरेटा देना है। एक्सेस अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन इज क्रेडिटेड अलॉटमेंट। प्रोरेटा में बच्चों जो एक्स्ट्रा पैसे मिले उसे एडजस्ट करने हमें। अमाउंट ड्यू अलॉटमेंट इट फुल्ली रिसीव्ड पास जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंपनी। चलो बच्चों टेबल से पहले कुछ जो इन्फॉर्मेशन रफ में वर्क करते बच्चों, मैं वर्किंग नोट में करवा देता हूँ। सबसे पहले बच्चों चार्मी लिमिटेड के डिबेंचर की फेस वैल्यू है
आई थिंक ₹200, जिसमें उन्होंने इश्यू किया है 10% प्रीमियम। 10% अब जैसे प्रीमियम लोगे बच्चों, यस आई थिंक वैल्यू आएगी 20, टोटल हो जाएगा ₹220। 220 के अंदर बच्चों उनका कहना है विथ एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के टाइम ₹100, जिसमें बच्चों उनका कहना है विथ प्रीमियम, तो इसके अंदर ₹20 प्रीमियम होगा बच्चों, 100 में से 20 गए तो बाकी 80 होगा डिबेंचर का पार्ट, यस कैपिटल की जगह ऐसा कह सकते हैं बच्चों डिबेंचर पार्ट। और फिर बच्चों उनका कहना है बैलेंस अमाउंट इन अलॉटमेंट, यानी यहाँ कॉल नहीं है, खाली दो ही पार्ट है। अलॉटमेंट के अंदर बच्चों टोटल पैसे हमें पता है 220 है, 220 में से 100 ऊपर गए तो बाकी बचे हुए ₹120 आपको अलॉटमेंट के गिन लेने हैं, ठीक है बच्चों। और इस तरफ बच्चों हमें शॉर्ट में लिखना हो यही लिख देते हैं, सबसे पहले बच्चों हमें एप्लीकेशन टोटल रिसीव हुई, डिबेंचर की एप्लीकेशन रिसीव हुई है 150,000, इश्यूड हमने किया है बच्चों डिबेंचर इश्यूड आई थिंक 120,000, ठीक है। और इसे हमें प्रो रेटा अलॉट करना है, एक्सेस को हमें रिफंड नहीं करना है, एक्सेस कितना है 30,000, क्या करना है बच्चों उसे प्रो रेटा अलॉटमेंट एडवांस गिन के ले जाना है। तो ये हो गया बच्चों वर्किंग। अब मैं क्वेश्चन को साइड में रख देता हूँ, बहुत ही छोटा सा बच्चों प्रो रेटा का टेबल है, सबसे पहले पर्टिकुलर्स में यहाँ लिखेंगे प्रो रेटा अलॉट, टोटल एप्लीकेशन हमें रिसीव है बच्चों वो यहाँ लिखनी है 150, मैक्सिमम इश्यू करने हमें जो अलॉटेड है 120, यहाँ हमें प्रो रेटा में भी लेने हैं 150, यहाँ अलॉट करने हैं 120। एप्लीकेशन की प्राइस विद प्रीमियम मुझे दिख रही है बच्चों ₹100, 150,000 इंटू 100 करोगे बच्चों तो मेरे ख्याल से आएंगे 1,500,000, मैं चेक कर लेता हूँ बच्चों, कई बार वैल्यू बढ़ जाती है, 150,000 इंटू 100 करोगे तो आई थिंक 1,500,000 आएंगे, यस या 150,00,000 कह सकते बच्चो, 1,50,00,000 बोलो या 150,00,000, यस 150,00,000, जिसमें से 1,20,000 सिर पे ₹100 अलॉट करने हैं बच्चों, यानी 1,20,00,000 या 1,20,00,000, 150,00,000 में से 1,20,00,000 माइनस करोगे तो आई थिंक बचेंगे 30,00,000 जो हमें बैंक में रिफंड नहीं करने बच्चों। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अलॉटमेंट इन एडवांस, फरी देखो 150 × 100 1,50,00,000, 1,20,000 × 100 1,20,00,000, इसमें से माइनस क्या डिफरेंस आएगा अलॉटमेंट इन एडवांस में। अब बच्चों टोटल कर ले, बस यही आपका टेबल का नया पॉइंट था बच्चों, आपने शेयर कैपिटल ट्रांजेक्शन में ऑलरेडी ये टेबल देखा हुआ है, बैंक में कोई भी रिफंड नहीं आएगा बच्चों। अब यहाँ मात्र आपको दो एंट्री करनी है एप्लीकेशन और अलॉटमेंट की बच्चों, मैं एकदम आसानी से आपको एंट्री करवा रहा हूँ बच्चों। डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपके सामने वर्किंग के ऊपर से एंट्री स्टार्ट कर रहा हूँ बच्चों, राइट साइड मैंने जगह की हुई है। अब बच्चों हेडिंग फॉलो नहीं करेंगे, छोटा सा मैं बच्चों मात्र प्रोरेटा टेबल समझाने के लिए लिया था। पहली एंट्री बच्चों व्हेन एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड बैंक अकाउंट डेबिटेड टू 10% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, ये रहे बच्चों टोटल 1,50,00,000 रुपए हमें रिसीव हुए, 1,50,00,000। सेकेंड एंट्री बच्चों इसे डिस्ट्रीब्यूट करना है 10% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड 1,50,00,000 टू 10% डिबेंचर अकाउंट। अब बच्चों हमें पता है ₹100 जो एप्लीकेशन में मिले उसमें प्रीमियम अलग करना है, प्रीमियम के लिए बच्चों वर्ड लिखा जाता है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ये बच्चों अलग करना नहीं भूलना है। और कुछ पैसे बच्चों एक्सेस रिफंड किए नहीं तो टू 10% डिबेंचर अलॉटमेंट इन एडवांस अकाउंट, ये हो गया बच्चों आपका अफलातून एंट्री फॉर प्रोरेटा टू 10% डिबेंचर में। बच्चों टोटल इश्यूड डिबेंचर है 1,20,000, जिसके ऊपर हमें पता है बच्चों यहाँ देख सकते हो आप ₹100 में ₹80 डिबेंचर की वैल्यू है, जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे 96,00,000, प्रीमियम में जाएंगे बच्चों 1,20,000 इंटू 20 आई थिंक 24,00,000। कोई बच्चा अगर यहाँ प्रीमियम और डिबेंचर को अलग करना भूल जाए तो उसके मार्क कट हो जाएंगे। अलॉटमेंट इन एडवांस में प्रो रेटा डिस्ट्रीब्यूशन बच्चों जो मुझे यहाँ दिख रहा है 30,00,000 रुपये,
तो ये हो गई बच्चों आपकी अफलातून एंट्री, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। अब बच्चों लेफ्ट साइड का पोर्शन रब करके अब अलॉटमेंट के 120 रुपये उसकी प्रोसेस बाकी है, उसकी एंट्री बच्चों कंप्लीट कर लेते हैं। बहुत ही छोटा सा ऐसा कह सकते हैं बच्चों। चलो नेक्स्ट बच्चों एंट्री नंबर 3, डिबेंचर अलॉटमेंट के पैसे मंगवाएंगे बच्चों, तो 10% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू 10% डिबेंचर अकाउंट, और लास्ट में बच्चों पैसे मिल जाए तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू 10% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। टोटल डिबेंचर है बच्चों 120,000 के, बाकी बच्चों 120 रुपये प्राइस है, जैसे मल्टीप्लाई करोगे 144 लाख 1 करोड़ 44 लाख सेम बच्चों आई थिंक कोई दिक्कत नहीं है, सब में पूरे पैसे मिल जाते हैं। हाँ बच्चों पैसे पूरे मिल जाते हैं, पर हमें पता है यहाँ कुछ हमें अलॉटमेंट के टेबल में एडवांस मिले हैं, तो यहाँ एंट्री करते समय बच्चों 144 लाख में से 30 लाख रुपए अलॉटमेंट एडवांस फिर से नहीं मिलेंगे, वो माइनस करने हैं। जैसे माइनस करोगे बच्चों वैल्यू बचेगी 114 लाख, बैंक अकाउंट डेबिटेड 140 लाख टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट 140 लाख। ये हो गया बच्चों पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन बच्चों अगर आपको एडवांस मिले हैं या वो आपको दिखाने हो बच्चों तो आप दिखा सकते हो, तो यहाँ लिख सकते हो बच्चों अगर आपको दिखाने हो तो, मैं फिर से बता रहा हूँ ये सही है बच्चों, पर आपको दिखाने हो तो आप लिख सकते हो अलॉटमेंट इन एडवांस अकाउंट डेबिटेड, कितना एडवांस मिले थे 30 लाख टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 1,44,000। क्लियर हो रहा है बच्चों? अगर 30 लाख ना दिखाना है तो 1 करोड़ 14 लाख दोनों तरफ जमा कर दो, दिखाना है तो इस प्रकार से बच्चों टोटल 144 का डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो। ये हो गया बच्चों बहुत ही प्यारा सम, सम नंबर 8। वीडियो पॉज कीजिए और इसे नोट डाउन कर लीजिए। डियर स्टूडेंट्स स्क्रीन पे आप देख रहे हो अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर का प्यारा छोटा सम नंबर 9, जिसके रेफरेंस में आपको इलस्ट्रेशन 6 प्रैक्टिस करने हैं। जानकी मार्बल में बच्चों 50,000 डिबेंचर इश्यू किए हैं 20 रुपये प्रीमियम के साथ, एग्जैक्ट 60,000 डिबेंचर पे एप्लीकेशन मिली है, 10,000 डिबेंचर रिजेक्ट किए बच्चों। यहाँ एप्लीकेशन और अलॉटमेंट की एंट्री कंबाइन करनी है बच्चों, कोई कॉल इन एरियर्स अनपेड अमाउंट नहीं है बच्चों, यानी बहुत ही प्यारा छोटा सम कह सकते हैं। 3 मार्क्स में ऐसे क्वेश्चन बच्चों मे बी बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो स्लाइड में प्यारा छोटा सम नंबर 9 में आपको व्हाइट बोर्ड पे समझाने जा रहा हूँ। डियर स्टूडेंट्स अब हम लेने जा रहे हैं अकाउंटिंग ऑफ डिबेंचर का सम नंबर 9 बच्चों, बहुत ही प्यारा छोटा सम है, 3 मार्क में आ सकता है। रेफरेंस में आपको इलस्ट्रेशन 7 प्रैक्टिस करना है। एक एक लाइन पढ़ के बच्चों मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। जानकी मार्बल लिमिटेड ऑफ पालनपुर इश्यूड 50,000 डिबेंचर ऑफ 11% 100 ईच एट 20% प्रीमियम, एप्लीकेशन रिसीव्ड 60,000। तो सबसे पहले बच्चों टोटल डिबेंचर का एप्लीकेशन आया 60, इश्यू किया है 50, एक्सेस जो हमें बच्चों रिटर्न करना है वो है मेरे ख्याल से 10,000। उसके बाद बच्चों दो नंबर में उसकी फेस वैल्यू है 100 रुपये, 20% प्रीमियम, यानी इसको इश्यू किया गया है 120 में। आगे जाते हैं बच्चों, द फुल अमाउंट वॉज पेएबल ऑन एप्लीकेशन। तो यहाँ बच्चों एप्लीकेशन और अलॉटमेंट कंबाइंड समझना है, फुल पैसे आ जाए, एप्लीकेशन ऑफ 10,000 रिजेक्ट हुई, बस इतना ही करना है बच्चों। राइट जनरल एंट्रीज, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, बहुत ही आसान समय। तो जनरल एंट्रीज के लिए बच्चों हेडिंग दे देते हैं हम लोग, जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ जानकी। ओके चलो बच्चों मैं एंट्री स्टार्ट कर रहा हूँ, आई थिंक कट ऑफ नहीं हो रहा है बच्चों। बहुत ही आसान क्वेश्चन, वर्किंग में आप देख सकते हो बच्चों। चलो सबसे पहले बच्चों व्हेन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट कंबाइन समझना है बच्चों। यस अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, अब बच्चों पैसे रिसीव हो तो हम एंट्री करेंगे बच्चों बैंक अकाउंट डेबिटेड टू 11% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिटेड। और सेकंड एंट्री में बच्चों व्हेन एप्लीकेशन एंड
अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर, जिसमें बच्चों हम एंट्री करेंगे 11% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू 11% डिबेंचर अकाउंट, और कुछ पैसे रिफंड किए बच्चों हो जाएंगे टू बैंक अकाउंट। ये बच्चों आपका क्वेश्चन पूरा हो गया। अब आप देख सकते हो टोटल डिबेंचर के ऊपर एप्लीकेशन कितनी मिली हमें, 60,000। टोटल प्राइस कितने बच्चों प्रीमियम के साथ, 120 रुपये। जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे 72 लाख आएगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड 72 लाख टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अब नेक्स्ट एंट्री बच्चों, उसमें हमें यहाँ ध्यान रखना है कि एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के साथ ही प्रीमियम मिल रहा है बच्चों, तो प्रीमियम को अलग करना होगा। 11% डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, एंड लास्ट में टू बैंक अकाउंट, जिसमें एक्सेस अमाउंट रिफंड करेंगे। टोटल अमाउंट बच्चों ये मैंने 72 लाख डेबिट कर दी। डिबेंचर में बच्चों मैक्सिमम इश्यू शेयर दे सकते हैं 50,000, प्राइस लेंगे 100 रुपये डिबेंचर की ओरिजिनल कॉस्ट 50 लाख। प्रीमियम के अंदर बच्चों 50,000 डिबेंचर के ऊपर 20 रुपये प्रीमियम है 10 लाख, और बैंक अकाउंट में बच्चों रिफंड में हमें एक्सेस 10,000 शेयर पे आई थिंक 120 रुपये रिफंड करना है बच्चों, 12 लाख रुपये। एंट्री मैच कर लो तो बच्चों, यस बच्चों मैं मल्टीप्लाई करके चेकिंग कर लेता हूँ, आई थिंक एकदम सही है बच्चों। ये हो गया आपका बहुत ही प्यारा और छोटा सा बच्चों, आप देख सकते हो बहुत इजी क्वेश्चन था, कोई प्रीमियम नहीं, कोई कॉल एंड एरियर नहीं, एडवांस नहीं, खाली प्रीमियम का मुद्दा था बच्चों और एप्लीकेशन अलॉटमेंट कंबाइंड था। वीडियो पोस्ट कीजिए बच्चों और ये क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। डियर स्टूडेंट, स्क्रीन पे आप देख रहे हो सम नंबर 10 मंसूरी लिमिटेड ऑफ दाहोद, जिसमें बच्चों 8,000 डिबेंचर इश्यू किए हैं, जिसमें 10% डिस्काउंट है बच्चों। तो इसके अंदर फिर से डिस्काउंट का पॉइंट रिपीट हो रहा है। उसके बाद एप्लीकेशन अलॉटमेंट और फाइनल कॉल तीन पार्ट है बच्चों। पैराग्राफ में टोटल एप्लीकेशन रिसीव 10,500, जिसमें से 8,000 अलॉट करनी है, बाकी की रिजेक्ट करनी है। उसके बाद बच्चों एक्सपेंसेस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर दिया हुआ है 22,000, जो आपको इफेक्ट देना है बच्चों, उसकी एंट्री करनी है। और उसके बाद एक्सपेंसेस ऑन इश्यू अकाउंट एंड डिस्काउंट ऑन डिबेंचर को राइट ऑफ करना है प्रॉफिट एंड लॉस में। तो ये कुछ अलग करने की कोशिश है बच्चों। तो ये क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो स्लाइड में मैं व्हाइट बोर्ड पे समझा रहा हूँ, जिसमें बच्चों एक्सपेंसेस और डिस्काउंट को कैसे राइट ऑफ करना है उसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम बोर्ड पे देखने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लेने जा रहे हैं सम नंबर 10 अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर, जिसके रेफरेंस में बच्चों आपको इल्यूस्ट्रेशन 7 प्रैक्टिस करनी है। PDF इमेज बच्चों मैंने आगे लेक्चर में रख दी होगी। क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देते हैं बच्चों, मैं पूरा क्वेश्चन समझा रहा हूं। मंसूरी लिमिटेड दाहोद इश्यूड 8,000 डिबेंचर ऑफ 10%, 100 रुपीज प्राइस एट 10% डिस्काउंट। द अमाउंट वॉज पेएबल 30 विथ एप्लीकेशन, 35 विथ अलॉटमेंट एंड बैलेंस ऑन फाइनल कॉल। कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन ऑफ 10,500 डिबेंचर, विच 8,000 डिबेंचर वाले अलॉटेड। अमाउंट वॉज रिफंडेड, ऑल द मनी ड्यू ऑन डिबेंचर्स वर ड्यूली रिसीव्ड। Expenses on issue of debenture is 22,000. Director decided to return off 1/5 of expenses on issue account, discount on debenture account from statement of profit and loss. Right? General entry for first year from the transaction of books of company. तो बच्चों ये क्वेश्चन के अंदर बहुत कुछ नया है, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है बच्चों, पर मेरे ख्याल से 3 मार्क्स के अंदर ऐसे क्वेश्चन आज तक अभी आए नहीं है। फिर भी बच्चों में तैयारी पूरी करनी है, मैं एक एक पॉइंट नोट डाउन कर रहा हूँ। सबसे पहले बच्चों एक नंबर में डिबेंचर की फेस वैल्यू है मेरे ख्याल से 100, जिसमें बच्चों 10% डिस्काउंट है, तो इसके अंदर डिस्काउंट आएगा बच्चों ₹10। तो इश्यू कितने में किया, तो इश्यूड प्राइस होगी मेरे ख्याल से 90। सेकंड सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट बच्चों, ऑन एप्लीकेशन हमें दिख रहा है ₹30, ऑन अलॉटमेंट मुझे दिख रहा है 35, अने ऑन फाइनल कॉल। अब बच्चों फाइनल कॉल के अंदर मुझे कितना लेना है, तो हमें इतना पता होना चाहिए बच्चों कि यहाँ फाइनल कॉल की वैल्यू लेते समय हमें यहाँ टोटल इश्यू प्राइस लेनी है 90 में से 30 + 30 + 5 = 65 गए, तो आई थिंक 65 + 25 ये आएगा बच्चों 25 हो गया 90।
किसी को कंफ्यूजन है? अब बच्चों ये सम के अंदर कोई इंस्ट्रक्शन है कि डिस्काउंट जो दिया वो डिस्काउंट की एंट्री कहाँ करनी है? 100 रुपये का से 90 में इश्यू किया 10% डिस्काउंट है, पर इसको बच्चों कहाँ शो करना है? तो कोई इंस्ट्रक्शन ना बुलाओ, तो यहाँ बच्चों 10 रुपीज़ डिस्काउंट आपको लेना है, ध्यान रखना, रुपीज़ 10 डिस्काउंट प्लस 35 अलॉटमेंट, ऐसे आपको 45 रुपये की एंट्री करनी है। खास ध्यान रखना बच्चों, मैं चेक कर लूँ, यस सही है, डिस्काउंट की वैल्यू मेरे ख्याल के 10 रुपये ही है बच्चों। तो इस प्रकार से हमें धारणा करनी होगी। आगे जाते हैं बच्चों, उसके बाद क्वेश्चन में मुझे दिख रहा है टोटल एप्लीकेशन रिसीव 10,500, तीन नंबर में एप्लीकेशन 10,500, जिसमें से बच्चों इश्यूड डिबेंचर मुझे दिख रहा है आई थिंक 8,000, बाकी का जो एक्सेस एप्लीकेशन है वो क्लियर हमें बोला है उसे रिटर्न करना है, रिफंड करना है आई थिंक 2,500। और उसके बाद बच्चों लास्ट पॉइंट मुझे एक्स्ट्रा दिख रहा है एक्सपेंसेस ऑन इश्यूड ऑफ डिबेंचर 22,000। ये कुछ नया पॉइंट है बच्चों, अब इसकी एंट्रीज हमें राइट डाउन करनी है। और लास्ट में एक्सपेंसेस का कॉन्सेप्ट बच्चों मैं कैसे समझा रहा हूँ देखते जाना। अब बच्चों यहाँ हम लोग एंट्री स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे पहली एंट्री एप्लीकेशन की होगी व्हेन एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अब डिबेंचर एप्लीकेशन के पैसे जब भी रिसीव करो बच्चों, डिबेंचर के परसेंटेज खास ध्यान रखना है, 10% के डिबेंचर है, हमें एंट्री करनी होगी। सबसे पहला प्रोसेस बच्चों पैसे रिसीव हो उसकी एंट्री करेंगे, एंट्री में कोई दम नहीं बच्चों, सेम टू सेम बैंक अकाउंट डेबिटेड टू 10% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। कितनी एप्लीकेशन मिली बच्चों? टोटल डिबेंचर का एप्लीकेशन आया 10,500, एप्लीकेशन की प्राइस 30 रुपीज़, जैसे मल्टीप्लाई करोगे बच्चों आई थिंक 3,15,000 आएगा, यस। सेकेंड पॉइंट पे ले जाना है बच्चों, व्हेन एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर। अब बच्चों मैं ये पैसे अलॉट करने जा रहा हूँ, एप्लीकेशन के पैसे स्पेशल अकाउंट में जाते हैं डिबेंचर अकाउंट में, और जो एक्सेस एप्लीकेशन है उसे रिफंड करना है। 10% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टोटल वैल्यू 3,15,000 टू 10% डिबेंचर अकाउंट, प्रीमियम है बच्चों, प्रीमियम नहीं है तो टू बैंक अकाउंट, उसमें हमें एक्सेस एप्लीकेशन रिफंड करनी है। तो यहाँ देख सकते हो बच्चों इश्यू डिबेंचर 8,000, जितने इश्यू के उतने पैसे जाएंगे डिबेंचर अकाउंट में, 30 रुपीज़ प्राइस, 240 एक्सेस, जो भी एक्सेस है बच्चों 2,500 × 30 आई थिंक 75,000 वो जाएगा बैंक अकाउंट में रिफंड। तो ये हो गया बच्चों आपका अफलातून एंट्री। और तीसरा पोर्शन लेते हैं बच्चों, व्हेन अलॉटमेंट प्रोसेस, व्हेन अलॉटमेंट मनी ड्यू या फिर कॉल्ड। अब बच्चों कंपनी अलॉटमेंट के पैसे मंगवाएगी, 10% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू 10% डिबेंचर अकाउंट। अटको बच्चों, उससे पहले कुछ याद आ रहा है मुझे, यहाँ डिबेंचर इश्यू करते समय डिस्काउंट है बच्चों, तो डिस्काउंट की एंट्री हमें डेबिट करनी है, प्रीमियम है तो क्रेडिट। तो यहाँ लिखेंगे बच्चों डिस्काउंट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड टू 10% डिबेंचर अकाउंट क्रेडिटेड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अलॉटमेंट के अंदर बच्चों टोटल 8,000 डिबेंचर अलॉट करने हैं, प्राइस है 35 रुपये, ध्यान रखना यहाँ इंस्ट्रक्शन नहीं है बच्चों, तो हमने ऐसे धारणा की है कि इसके अंदर डिस्काउंट की वैल्यू इंक्लूड नहीं होगी, डिस्काउंट के सिवा ही होगा, ठीक है। डिस्काउंट अलग से हमने 10% रुपीज़ लिखा हुआ है, यहाँ डिस्काउंट लेंगे बच्चों 8,000 × 10, यहाँ जाएगा टोटल 8,000 × 45। अब जैसे बच्चों 8,000 को 35 से मल्टीप्लाई करोगे 280, 8,000 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे 80, और 8,000 को 45 से मल्टीप्लाई करोगे आएगा 3,60,000। तो ये हो गया बच्चों पहली सिचुएशन एप्लीकेशन, सेकेंड सिचुएशन में अलॉटमेंट, जिसके अंदर बच्चों मैंने मात्र अलॉटमेंट की अमाउंट ट्रांसफर की है डिस्काउंट के अंदर और डिबेंचर में। अब बच्चों
अलॉटमेंट के पैसे रिसीव करने की एंट्री करेंगे। इसको मैं निकाल देता हूँ बच्चों। आई होप बच्चों आप लोग को समझ आ रहा है, मैं पूरी ट्राई कर रहा हूँ। तो जितना ऑफलाइन देखो बच्चों उतना ऑनलाइन देखना, दोनों को बार बार कंपेयर करके मेहनत करते रहो। फोर्थ क्वेश्चन या फोर्थ पार्ट, अब अलॉटमेंट के पैसे रिसीव होंगे बच्चों व्हेन अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। अब बच्चों कंपनी अलॉटमेंट के पैसे मंगवाएंगी, पैसे मिलेंगे, कंपनी एंट्री करेगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू 10% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। एग्जाम में बच्चों डेब नहीं लिखना है, डिबेंचर लिखना है, आप लोग ध्यान रखना। अब कितने पैसे रिसीव हो बच्चों, अभी डिस्काउंट होता है सीधा माइनस हो जाता है, खास ध्यान रखना डिस्काउंट के पैसे कभी रिसीव नहीं होंगे। तो मैं रिसीव होगा बच्चों जो डिस्काउंट के सिवा की अमाउंट है 280, डिस्काउंट की वैल्यू सीधी लेस हो जाती है बच्चों। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू 10% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। उसके बाद पांच नंबर में बच्चों फाइनल कॉल की प्रोसेस लेते हैं। यस बच्चों डिबेंचर फाइनल कॉल, तो नेक्स्ट हेडिंग देंगे पैसे मंगवाएंगे व्हेन डिबेंचर फाइनल कॉल मनी ड्यू। फाइनल कॉल के पैसे मंगवाओगे बच्चों तो एंट्री होगी 10% डिबेंचर कॉल लिखो या फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू 10% डिबेंचर अकाउंट क्रेडिटेड। ब्रैकेट के अंदर बच्चों टोटल 8000 डिबेंचर इश्यूड और फाइनल कॉल की प्राइस आई थिंक 25। जैसे मल्टीप्लाई करोगे बच्चों डेबिट में 2 लाख आएगा और फिर क्रेडिट में भी 2 लाख। उसके बाद बच्चों 6 नंबर का मेन लास्ट प्रोसेस फाइनल कॉल का, व्हेन फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। फाइनल कॉल के पैसे रिसीव हो बच्चों तो हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड टू 10% डिबेंचर फाइनल कॉल अकाउंट। अमाउंट पूरे 2 लाख रिसीव हो जाते हैं बच्चों, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। कोई भी मेंबर्स ऐसा नहीं है कि जो फाइनल कॉल के पैसे नहीं भर रहा हो बच्चों। तो आई होप आपको समझ आ रहा है बच्चों, ये हो गया आपका एक्स्ट्राऑर्डिनरी एप्लीकेशन अलॉटमेंट फाइनल कॉल का पार्ट। अब यहाँ बच्चों इश्यूइंग एक्सपेंसेस यानी डिस्काउंट को कैसे सेटल करना है वो मैं बोर्ड रब करके आपको समझा रहा हूँ। वीडियो पॉज करके इतना नोट डाउन कर लीजिए। अब बच्चों हम बाकी के एंट्री करने जा रहे हैं। आप देख सकते हो बोर्ड पे मैंने राइट साइड रब कर दिया बच्चों। 7 नंबर की एंट्री एक्सपेंसेस ऑन इश्यूड ऑफ डिबेंचर। अब बच्चों डिबेंचर इश्यू का उसका खर्चा हुआ बच्चों 20 का। एंट्री बच्चों सिंपल होता है, जब भी आप एक्सपेंसेस करो नॉमिनल अकाउंट का रूल एक्सपेंस डेबिट होगा, पैसे जाएंगे बच्चों मोस्टली बैंक में, जैसे बैंक क्रेडिट होगा। तो इसकी एंट्री होगी बच्चों एक्सपेंसेस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड 22,000 टू बैंक अकाउंट। नेरेशन लिखना हो तो बच्चों बिंग एक्सपेंसेस ऑन इश्यूड ऑफ डिबेंचर पेड बाय चेक। ऐसे धारणा के बच्चों हमने चेक से पेमेंट कर दिया है। अब बच्चों आगे का पोर्शन समझने के लिए मैं क्वेश्चन का लास्ट पैराग्राफ फिर से रिपीट कर रहा हूं बच्चों, ध्यान देना। एक्सपेंसेस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर 22,000, डायरेक्टर डिसाइडेड टू राइट ऑफ 1/5 अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस ऑन इश्यू एंड डिस्काउंट ऑफ डिबेंचर फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहाँ बच्चों डिबेंचर इश्यू करने की जो भी एक्सपेंसेस हुए वो लगातार बहुत सारे सालों तक चलेगा, क्योंकि डिबेंचर के पैसे तुरंत रिटर्न नहीं होते, तो वो लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर है। सेम बच्चों डिस्काउंट भी बिजनेस के लिए लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर, इसे कहा जाता है मिसलेनियस एक्सपेंडिचर या फिर डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो उसका पोर्शन बच्चों में राइट ऑफ करना है करंट ईयर में मात्र 1/5, और क्लियर सूचना दी है बच्चों स्टेटमेंट ऑफ PNL से। तो इसकी एंट्री होगी बच्चों ध्यान से देखना व्हेन डिबेंचर डिस्काउंट एंड एक्सपेंस ऑफ इश्यू 1/5 रिटर्न ऑफ। अब इसको रिटर्न ऑफ करोगे बच्चों तो एंट्री करनी है हमें यस
स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू एक्सपेंसेस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट क्रेडिटेड टू, साथ में बच्चों डिबेंचर अकाउंट क्रेडिटेड। अब बच्चों टोटल डिस्काउंट कितना है, तो आगे हमने डिस्काउंट की एंट्री की थी बच्चों, उसमें से मैं डिस्काउंट ले लेता हूँ। टोटल डिस्काउंट था बच्चों मेरे ख्याल से 80,000 रुपये जो भी डिस्काउंट है आपका, मैं फिर से चेक कर लेता हूँ बच्चों। डिबेंचर डिस्काउंट यस 80,000 था बच्चों, ₹80,000, उसका हमें 1/5 लेना है। आई थिंक वैल्यू आएगी बच्चों 16,000। और जो एक्सपेंसेस है टोटल 22,000 है बच्चों, उसका भी उनका कहना है 1/5 राइट ऑफ करना है। वैल्यू आएगी आई थिंक 4,400। और फिर कैलकुलेटर से टोटल करोगे बच्चों तो वैल्यू आएगी 20,400। स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट डेबिटेड, ये दोनों का टोटल, टू एक्सपेंसेस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, टू डिबेंचर डिस्काउंट अकाउंट या डिस्काउंट ऑन डिबेंचर अकाउंट। क्लियर बच्चों? टोटल डिस्काउंट की वैल्यू 1/5, इश्यू की वैल्यू 1/5। तो ये बच्चों को 7 और 8 नंबर का पॉइंट एक्स्ट्रा है, पर आज तक बच्चों गुजरात बोर्ड के एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं आया है। तो बच्चों प्रैक्टिस पर्पज से आपको याद रखना है, 3 मार्क्स के अंदर थोड़ा लेंदी हो जाता है, पर कोई टीचर चाहे तो पूछ सकता है। आपको प्रैक्टिस करने के लिए कोई होमवर्क नहीं है, ओनली इलस्ट्रेशन 7 आपको प्रैक्टिस करना है। यहाँ तक रखते हैं बच्चों, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय माता जी। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड प्रेस बेल आइकॉन for notifications.